जी गाइस, तो अभी दिन का टाइम है और दूसरा दिन है यहाँ पे। दूसरा दिन तो नहीं कह सकते, कल शाम को ही आया था। तो अभी सेम स्ट्रीट पे निकला हूँ, आज थोड़ा दूर जाने का प्लान है। तो यही जगह है जिधर मैं इवनिंग टाइम में आया था, तो इतना काफ़ी डार्क था, लेकिन अभी काफ़ी ग्रीनी है। ज़रा देखते हैं दिन में कैमरा कैसे काम करता है। चलते हैं, आज जाना है रेगिस्तान पे। वो मेरा कल एक दोस्त मिला था, वो मेरा वेट कर रहा है, तो रेगिस्तान जाऊंगा, रेगिस्तान स्क्वायर। उसके बाद वो बताएगा किधर लेके जा रहा है आज। तो ये एक तो DJI एक्शन 4 चेक हो जाएगा, शेडो में और लाइट में कैसे परफॉर्म कर रहा है, एकदम से वाइट बैलेंस कैसे काम कर रहा है। दूसरा ये कि चलने के लिए जगह बेस्ट है, मुझे काफ़ी ग्रीनी है इधर। ये आप देख सकते हैं पूरी रोड ट्रीज के साथ कवर हुई है। काफ़ी सस्ता है उज़्बेकिस्तान समरकंद, थोड़े पैसों में आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो चीज़ें भी काफ़ी सस्ती हैं, लाइक डेवलपमेंट काफ़ी है इधर। मुझे ये समझ नहीं आया कि इनकी करेंसी बहुत डाउन है, तो खुशहाली है इधर, लोग खुश हैं, मेहनती हैं। मैं कल इधर औरतों को देख रहा था रोड के ऊपर पेंट करते हुए, काफ़ी मेहनती लोग हैं, बहुत किसी भी काम से शर्म नहीं करता। चल रहे हैं यहाँ, आगे चलते हैं और देखते हैं। ये सामने कल मैं आया था, मीट द मोर स्क्वायर, ये सामने ही आ गया। इसको क्रॉस करके तो आगे हम जाएंगे रेगिस्तान स्क्वायर पे। ग्रीनरी आप देख सकते हैं, ये पानी लग रहा है ग्रास को, पूरा पानी का छिड़काव हो रहा है। ये ऊपर भी पानी फुटपाथ पर भी आ रहा है। आज फ्राइडे है, अभी बस 11 बज गए, दिन का टाइम है, जाने लगेगा। और वो देख सकते हैं आप, ये बसें वैसे चल रही हैं यहाँ पर। डबल डेकर भी मैंने कल देखी थी, स्क्वायर है। कल शाम में तो इसकी वीडियो मैंने ली थी, अभी दिन में भी थोड़ा कवर कर लेते हैं, दिन में कैसा होता है। ये सामने स्टैचू है,
यहाँ पे देख सकते हैं जी आप म्यूनसिपलिटी की क्लीनर्स कैसे काम कर रही है। चलें यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं, चलते हैं रोड में। रेगिस्तान स्क्वायर तो यहाँ पे जो हॉस्टल है जी समरकांत हॉस्टल में सोचा हूँ बहुत बढ़िया है, अभी तक जितने भी मैंने विजिट किए सबसे बेस्ट हॉस्टल है। क्लीनिंग और इतना रश नहीं है इसलिए थोड़ा सुकून है, वहाँ पर आपको रेस्ट अच्छे से मिल सकता है। बेड वेड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। आप मुझे वो पड़ा है 2 नाइट के लिए $18 का, $9 पर नाइट। और भी इधर अच्छे हॉस्टल हैं लेकिन ये थोड़ा रेटिंग में भी हाई था और इसका जो था प्राइस था वो भी लो था। चले यही रास्ता है जिधर से मैं कल आया था लेकिन वो कल शाम को आया था इसलिए फुटेज शायद ज़्यादा क्लियर नहीं थी। तो अभी दिन को भी कवर कर रही है, इधर से गुजर रहा था तो मैंने कहा इसको भी कवर कर ही। अच्छा तो रही बात उसकी जो शिमले का जो हॉस्टल था बस ठीक ही था, इतना खास नहीं था लेकिन उसकी रेटिंग बहुत हाई थी इसलिए मैंने उसको बुक किया था उस टाइम। तो वो मुझे पड़ा था जी $12 का, लेकिन मैंने ये फील किया कि ये जो है ना थोड़ा ताजिकिस्तान थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इसके बारे में, ये जो एरिया है इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। फाउंटेन ये आपको पूरे सेंट्रल एशिया में जगह जगह मिलेंगे, ब्यूटी तो है और इको सिस्टम अच्छे चल रहे हैं, इनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उसके बावजूद इनकी ड्राइव बन जाता है। चलो अब चलते हैं जी वहाँ पर, बंदा काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहा था कि मास्क मैंने रात को बाइक से कवर की थी। वो भी कोई स्क्वायर है हिस्टोरिकल, सो उधर मैं अभी नहीं जा पाया, बाद में चलते हैं। अभी वो रेगिस्तान से आगे हम
आज जा रहे हैं। वो मुझे लेके जाएगा दोस्त जो इधर से मुझे उज्बेक मिला कल, लड़का वही कहीं लेके जाने वाला है, तो देखते हैं जैसे जैसे वो बताएगा कि मैं उसी हिसाब से उसका नाम भी मेंशन करता हूँ।